हाय गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आई होप गाइस आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप एंजल वन पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आप एंजल वन पे फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को कम्प्लीट जानकारी देंगे कि आप कैसे एंजल वन पे फंड ऐड करेंगे एंड कैसे आप स्टॉक को बाय करेंगे एंड कैसे स्टॉक को सेल करेंगे एंड उस स्टॉक को सेल करने के बाद उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइस ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को नीचे साइड यहाँ पे एक फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड गाइस इसके अलावा भी एक और ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ऊपर साइड आप लोग देख सकते हैं आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिख जाएगा, तो सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपका यहाँ पे क्लाइंट आईडी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही आपको यहाँ पे एड फंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्लिक जैसे करते हैं तो आपको यहाँ पे इंटर अमाउंट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको पैसे इंटर करने हैं कि आप कितने रुपए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं या फिर रेफर एंड अर्न के लिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 30 रुपये पैसे ऐड करना है या फिर आप 100 रुपये भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 100 रुपये ऐड कर रहे हैं। आप यदि 30 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो 30 रुपये भी पैसे आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। पैसे इंटर करने के बाद नीचे आप लोगों को एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे SBI को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे मेथड देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे फंड ऐड करेंगे। तो फ़ोनपे, गूगल पे, यदि आप पेटीएम के थ्रू पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आपको अदर UPI मेथड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करना है। तो ये रीडायरेक्ट आपको पेटीएम एप्लीकेशन पे ले जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को इस पैसे को यहाँ से पेमेंट कर देना है। तो UPI डाल के जैसे आप यहां पे 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 क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारे पैसे यहां पे सक्सेसफुली यहां पे ऐड हो चुके हैं। तो आपको यहां से बैक आना है एंड बैक आने के बाद आप लोग यहां पे देख सकते हैं एंजल वन अकाउंट पे हमारे यहां पे फंड्स ऐड हो चुके हैं 100 रुपए। तो गाइस फंड ऐड करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, तो आपको यहां से बैक आना है एंड बैक आने के बाद आपको नीचे साइड एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाती हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप कम से कम प्राइस में आप कैसे किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे सर्च के सिंबल पे क्लिक करना है। तो आपको यहां पे सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको एस बैंक सर्च करना है। जैसे आप एस बैंक सर्च करते हैं तो आपके सामने दो एस बैंक आ जाएंगे, एक NSE एंड एक BSE। तो सिंपली आप लोगों को NSE पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आपका स्टॉक यहां पे ऐड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एस बैंक पे क्लिक कर देना है इस स्टॉक पे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम इसका स्टॉक बाय करना है, तो बाय करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 21 रुपये 90 पैसे दिख रहा है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि आप कितने स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं। यदि आप लोगों ने 30 रुपये पैसे ऐड किए हैं तो आप यहाँ पे एक ही स्टॉक बाय कीजिएगा। तो हम यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ पे एक क्वांटिटी ले रहे हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट एंड मार्केट का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली हम लोग यहाँ पे मार्केट पे करेंगे। यदि आप जैसे मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस पे कुछ भी नहीं दिखेगा एंड यदि आप लिमिट पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मार्केट पे कर देंगे एंड यहाँ पे डिलीवरी पे ही आपको यहाँ पे नीचे रहने देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको बाय पे क्लिक करना है एंड कन्फर्म बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्टॉक बाय हो चुका है एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपका स्टॉक यहाँ पे सक्सेसफुली बाय हो चुका है एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो नीचे जैसे आप ऑर्डर्स पे आएंगे तो आप जितने भी स्टॉक यहाँ पे बाय किए हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो आपने यहाँ पे एस बैंक का एन एस ई का आपने एक स्टॉक यहाँ पे बाय किया है। एंड आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे भी जाके देख सकते हैं कि आपने कितने स्टॉक यहाँ पे बाय किए हैं। तो गाइस इस तरह से आप लोग अपने स्टॉक को देख सकते हैं कि आपने कितने स्टॉक बाय किए हैं एंड कितने नहीं। एंड गाइस स्टॉक बाय करने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि आप इस स्टॉक को सेल कैसे करेंगे। एंड तो गाइस स्टॉक को सेल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट पे फिर से जाना है। वॉच लिस्ट पे जाने के बाद आपको एस बैंक टॉप पे ही देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एस बैंक, एंड एस बैंक के बगल पे आपको एक बैग का सिंबल दिख रहा होगा एंड उसके पास एक लिखा हुआ है, यानी आपने इसके एक स्टॉक को बाय किया है। तो इसे सेल करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस स्टॉक को सेल करना है तो हम सिंपली यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। तो सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। तो हमने एक स्टॉक बाय किया था तो हम यहाँ पे एक करेंगे। एंड आपको यहाँ पे मार्केट ही रहने देना है एंड यहाँ पे भी आपको डिलीवरी ही रहने देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है एंड कन्फर्म सेल पे क्लिक करना है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टॉक यहाँ पे सक्सेसफुली सेल हो चुका है एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टॉक यहाँ पे सक्सेसफुली सेल हो चुका है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको फिर से फंड पे आ जाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 100 रुपये थे बट मैंने स्टॉक को बाय किया एंड सेल किया तो अभी हमारे पास 96 रुपये हैं। एंड गाइज आपको यहाँ पे 24 आवर्स वेट करना है। 24 आवर्स वेट करने के बाद आपके पास 100 रुपये पूरे आ जाएंगे। जो भी यहाँ पे 4 रुपये कटे हैं ये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। जैसे आप फंड पे आएंगे तो आपके 100 रुपये इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे साइड एक विड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉवल बैलेंस। तो यहाँ पे 100 रुपये हैं तो हम यहाँ पे अमाउंट पे 100 रुपये यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड आपको किस बैंक में विड्रॉ लेना है तो आपको यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉ फंड पे यहाँ पे अभी पेंडिंग शो हो रहा है बट ये 24 आवर्स पे आपके बैंक अकाउंट में इजीली विड्रॉ हो जाएगा। तो गाइस एंजल वन पे आप लोग इस तरह से इजी प्रोसेस से आप अपना ट्रेडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इस पे ज़्यादा पैसे फंड ऐड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे 30 रुपये भी पैसे ऐड करते हैं तो आप इजीली आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस तरह की और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन सबसे पहले आ सके। तो चलिए गाइज हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।